नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं ही कि ज्योतिष में कुल 12 राशियां होती हैं और हर राशि के लोगों की नेचर अलग होती है, यानी हर किसी में कुछ कमियां तो कुछ खूबियां जरूर होती हैं। ऐसे कि पहले की वीडियो में हमने आपको बाकी की राशियों के बारे में बताया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाकी की बची राशियां। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली राशि के बारे में। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और हर राशि के लोगों की अलग खासियत होती है, अलग नेचर होती है, अलग स्वभाव होता है। अलग अलग राशि के लोगों के अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमजोरियां भी होती हैं। ये जो राशियां हैं ये हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है। किसी व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, कैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी, वह आशावादी होगा या निराशावादी होगा, ये सब उसकी राशि से पता चल जाता है। और किसी भी व्यक्ति की राशि का जो निर्धारण है जन्म के समय में चंद्रमा की स्थिति से किया जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उस व्यक्ति की राशि होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन जातकों के जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होता है उन लोगों की वृश्चिक राशि होती है। ये जो 12 राशियां उसमें ये राशि चक्र की 8वीं राशि है, मंगल ग्रह इस राशि के स्वामी है और मंगल ग्रह को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल है। वृश्चिक राशि वालों का जो शरीर है वो गठीला होता है, संतुलित होता है और मंगल के कारण इनका मुख पर तेज भी होता है। ये जो वृश्चिक राशि के लोग हैं इनकी बड़ी स्ट्रांग विल पावर होती है और बड़ा संकल्पवान होते हैं। ये जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही ये निश्चिंत होते हैं। ये अपने जीवन में आए संघर्षों और कठिनाइयों के आगे डटे रहते हैं, इसलिए उन पर विजय भी प्राप्त करते हैं। जो तुला राशि के लोग हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत कल्पनाशील होते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण इनका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। किसी के अंडर काम करना ये थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। ये अपने दम पर, अपने परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ना जानते हैं। इनका जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, वो सामान्यतः सफल होता है, परंतु इसके लिए इनके जीवन साथी को इनकी इच्छाओं के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं ये सेना में, पुलिस में, अग्निशमन सेवाओं में, चिकित्सा में गणितज्ञ होते हैं ये, और उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये विशेष सफलता अर्जित करते हैं। वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले जो लोग हैं ये काफ़ी रोबीले माने जाते हैं, दबंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चार्मिंग भी होते हैं, चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, तनावपूर्ण क्षणों में भी खुद को संतुलित रखने की और कुछ रहस्यमयी अंदाज के भी होते हैं ये। आलस्य ने पसंद नहीं होता और ये वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। अपने काम में इन्हें परफेक्शन हासिल होती है, आप इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्योंकि ये दिमागी रूप से बहुत चौकस और सतर्क रहते हैं। किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो बीच मझधार में नहीं छोड़ते बल्कि लंबा समय तक साथ निभाते हैं। अपने काम में ये दूसरों का अननेसेसरी जो है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते और इनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की भी भरपूर क्षमता होती है। बाहर से भले ही ये खुद को सख्त दिखाने का प्रयास करें लेकिन भीतर से बहुत संवेदनशील भी होते हैं। ऐसी राशि के जो लोग हैं इनको हमेशा रिश्तों में धोखा खाने का डर रहता है, इसी डर के कारण ये कई बार ईर्ष्या का शिकार भी हो जाते हैं। ये अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव हो जाते हैं, कई बार ये अपने पार्टनर पर यकीन तक नहीं करते। वृश्चिक राशि के लड़कों को अगर कोई पसंद आ जाए तो ये उसके लिए कोई भी हद पार करने से गुरेज नहीं करते, अपने साथी को लेकर के काफ़ी ये अधीर रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि वृश्चिक राशि वालों में दूसरों को आकर्षित करने की काफ़ी क्षमता होती है। इस राशि के लोग बहादुर और भावुक होने के साथ साथ कामुक भी होते हैं, शारीरिक डील डॉल भी अच्छा होता है। वृश्चिक राशि वाले बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत जिद्दी भी होते हैं, अपने रास्ते चलते हैं मगर किसी का हस्तक्षेप भी ये बर्दाश्त नहीं करते। लोगों की गलतियों को और बुरी बातों को खूब याद रखते हैं और समय आने पर उसका माकूल जवाब भी देना जानते हैं। इनकी वाणी कई बार कटु हो जाती है, थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है लेकिन मन के साफ होते हैं। दूसरों में दोष ढूंढने की इनको आदत होती है, जोड़ तोड़ की राजनीति में ये माहिर होते हैं। और अगर हम वृश्चिक राशि की लड़कियों की बात करें तो ये तीखे नयन नक्श वाली होती हैं, अगर ज़्यादा सुंदर ना हो तो भी उनमें एक अलग से आकर्षण रहता है। इनका बातचीत करने का अपना एक विशेष अंदाज होता है, ये बुद्धिमान और भावुक होती हैं और इनके विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये जिद्दी होती हैं, अति महत्वाकांक्षी भी होती हैं, थोड़ी कई बार स्वार्थी प्रकृति की भी हो जाती हैं। स्वतंत्र निर्णय लेना इनकी आदत में होता है, मायके परिवार के साथ इनका ज़्यादा स्नेह रहता है। नौकरी पेशा होने पर ये अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं, काम करने की इनमें अपार क्षमता होती है, वाणी की कटता इनमें भी होती है
और सुख साधनों की जो लालसा है इनमें बनी रहती है। वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं ये परिवार से अधिक स्नेह रखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के कर्क राशि, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के साथ अच्छी पटती है, यानी अच्छी दोस्ती रहती है। इसके अलावा मिथुन और कन्या राशि वालों से भी वृश्चिक राशि वालों की कभी बनती नहीं है और इनके आपस में थोड़ा कन्फ्रंटेशन बनी रहती है। वृश्चिक राशि वालों के अगर शुभ अंक की बात करें तो नौक अंक इनके लिए शुभ अंक है और लाल मटमैला रंग इनका जो है वो शुभ रंग है। मंगलवार का दिन इनके लिए शुभ होता है और वृश्चिक राशि वालों का जो लक्की स्टोन है वो मूंगा है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।